गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर, दैट इज द इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो उसमें अभी तक हमने जो टॉपिक किया था उसमें हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर और कंपाउंड का जो डिफरेंस है वहां तक किया था. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अगर हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और वो कैसे कंबाइन हो जाता है? होमोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है थ्रू आउट. अगर हम इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द सॉल्यूट एंड अदर वन इज द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन करने से क्या मिलता है? सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूट को मान लेते हैं हमारी क्या है, शुगर है, और वाटर हम मान लेते हैं सॉल्वेंट, तो हमारा यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन. तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन. अब इसमें आपको पता लग जाएगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है. तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझना है. अगर हम सॉल्यूट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, जो ज्यादातर कम अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज द सॉल्वेंट. तो एक हमारा सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया. जो सॉल्यूट है वो क्या होगा? दैट इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, और जो सॉल्वेंट होगा दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. इसको नोट करेंगे सभी. नेक्स्ट वन इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि अगर आपको याद हो एक्वा वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए करते हैं. जैसे एड भी आती है एक्वा गार्ड, पानी का डॉक्टर, इसका मतलब एक्वा वर्ड यूज होता है किसके लिए? वाटर के लिए. तो अगर हम यहां पर बात करें एक्वस सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज In which the solvent is always water. Such a solution is called aqueous solution. And non-aqueous solution, those solution in which the solvent is other than water. जिसमें सॉल्वेंट हम क्या लें? वाटर से अलग ले लें, कोई भी हो. अगर हम दूसरा लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर लेते हैं शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्ट इन वाटर लेते हैं, शुगर इन वाटर लेते हैं, लेकिन अगर हम शुगर को एल्कोहल में डिजोल्व कर दें, शुगर इन एल्कोहल, तो एल्कोहल हमारा क्या? वाटर तो नहीं है. तो दिस इज द एग्जांपल. और भी हो सकते हैं इसके अलावा, जैसे आपने टिंचर ऑफ आयोडीन सुना होगा. टिंचर ऑफ आयोडीन होता क्या है? आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं. जो आपने कई बार देखा होगा चोट लग जाती है तो हम क्या लगाते हैं? पोवर्डीन आयोडीन, बीटाडीन लोशन जो आता है उसमें एक्चुअली में क्या होता है? अल्कोहल होती है और आयोडीन होती है. तो अल्कोहल हमारा क्या है? जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आयोडीन को डिसॉल्व किया गया है, तो दैट इज ए नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अगर हम यहां पर लेते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, शुगर के अलावा सॉल्ट भी कर सकते हैं, एसिटिक एसिड है, ठीक है, अल्कोहल को भी डिसॉल्व कर सकते हैं वाटर में. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. और जो हम यहां पर बता रहे हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, शुगर इन अल्कोहल, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो यहां से आपको नाम से पता चलेगा एक्वस मींस जिसमें क्या हो? सॉल्वेंट क्या हो? वॉटर. और अदर देन वॉटर होगा तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन. इसको नोट डाउन करेंगे सभी. नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन. अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट हमने बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर. तो जो सॉल्यूशन है दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अगर आप कंपोजिशन चेक करेंगे किसी भी पॉइंट पर तो क्या रहने वाली है? यूनिफॉर्म सेम रहने वाली है.
अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और इसीलिए इसको ट्रियो सॉल्यूशन भी कहते हैं हम। कौन सा सॉल्यूशन? ट्रियो सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो, पार्टिकल साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो पार्टिकल इतना छोटा होता है कि हम उसको देख नहीं सकते इवन विद द नेक्ड आई। नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको चेक करें तो पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अगर हम फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट करने की कोशिश करें, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसमें से जो शुगर सॉल्यूशन है उसको पास करते हैं, तो ये नहीं होगा कि शुगर क्या रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और बाकी जो वाटर है उसमें से पास हो जाएगा। तो दोनों चीज ही फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगी, इसका मतलब फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उन पोर का साइज क्या होता है, मोर देन 1 नैनोमीटर होता है, जिससे कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो आसानी से उसमें से पास हो जाते हैं, किसके, सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो हम इसलिए हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो दो ही कंपोनेंट है हमारे, वन इज द सॉल्यूट एंड अदर वन इज द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। जब आपका नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आने वाले हैं, इसके अलावा दो और रहेंगे हमारे, वन इज द कोलाइड एंड अदर वन इज द सस्पेंशन। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज करेंगे तो उनमें यही प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आपको याद होगा अभी आपने डिफरेंस किया था मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में, तो मिक्सचर और कंपाउंड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफरेंशिएट किया था, उसी तरीके से हम इनको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अभी आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सिंपली हम सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब जब हम पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं। अगर आप क्या करते हो, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हो और उसको अनडिस्टर्ब रख देते हो कुछ टाइम के लिए, तो आप क्या नोट करते हो कि शुगर अलग हो जाती है? नो। तो होता क्या है, शुगर उसके अंदर ही डिसॉल्व रहती है। ये नहीं होता है कि हम उसको अगर अनडिस्टर्ब रखें तो वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन। जैसे अगर हम चौक का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाता है, कुछ देर के बाद जो चौक है या मिट्टी है पानी के अंदर आपने डाली है वो नीचे बैठ जाती है। लेकिन शुगर में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दैट इज ए ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट मींस दिस इज हाईली स्टेबल। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है, स्टेबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब अनडिस्टर्ब करने पर वो सेटल डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है, अगर मान के चलते हैं, अगर आप कभी फॉरेस्ट में गए हों या कभी हम किसी कमरे में बैठे हैं और रोशनदान में से लाइट आती है, तो आप नोट करते हैं कि जो रोशनदान में से लाइट आ रही है उसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, उसमें पार्टिकल्स आपको घूमते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रूम में बैठे हैं, पार्टिकल तो अभी भी घूम रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब एक हाई डेंसिटी बीम, एक फाइन बीम आती है लाइट की रोशनदान में से, तो उस केस में आपको क्या होता है, उनके पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, तो वहां से जब प्रोजेक्टर पे से लाइट आती है तो उस प्रोजेक्टर की लाइट में अगर आप देखते हैं तो आपको धूल मिट्टी के कारण इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, तो दैट इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये दिखाता क्यों नहीं है, अगर मान के चलते हैं ट्रू सॉल्यूशन में हमने बताया पार्टिकल साइज क्या है, 1 नैनोमीटर। पार्टिकल इतना ज्यादा छोटा है कि अगर हम उसमें से लाइट को, जैसे हमने क्या किया, एक ट्रू सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने क्या डाला, ट्रू सॉल्यूशन, और यहां से हमने एक लेजर लाइट ली, देखी होगी आपने रेड कलर की एक लेजर लाइट होती है, अगर मैं उसको पास करता हूं तो वो इसमें से पास तो हो जाती है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन में यहां पर जहां से वो लाइट पास हो रही है देखने की कोशिश करेंगे तो उसका पाथ जो है वो विजिबल नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब यहां पर जो लाइट का पाथ है दैट इज नॉट विजिबल इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, और इसी चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब जो पाथ विजिबल नहीं है तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, तो डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी किस किस की हैं, जो हमारी सॉल्यूशन की हैं, इसी के बेसिस पर जो हमने बताया था कोलाइड आएगा तो हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे, उनमें यही पॉइंट्स आपके चलेंगे, सिर्फ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज
चेंज होंगे जिनको आपने नोट डाउन करना है। नोट करेंगे सभी।